एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अपूर्णा। आज है ट्यूसडे और अभी बाहर हो रहा है बारिश और ठंड भी बहुत है। तो सुबह सुबह मेरा जो सुबह का जो क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। मैंने शावर भी ले लिया और पूजा भी कर लिया। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच और आज है एकादशी, तो इस वजह से मैं बनाऊंगी पूरी और सब्जी। मैंने चढ़ा दिया गोभी आलू की सब्जी। तो आज मैं अलग से राइस नहीं बनाऊंगी त्रिनयन और प्रियांशु के लिए, उन दोनों को भी मैं लंच में पूरी दे दूंगी। तो यही, और डिनर में मैं कुछ उन दोनों के लिए अलग से कुछ बना दूंगी। और आज प्रियांशु को मैंने स्कूल नहीं भेजा, अभी टाइम हो रहा है 11:30, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था और अभी भी हो रहा है। और त्रिनयन को जाना पड़ा क्योंकि कल त्रिनयन के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स है, इस वजह से आज फाइनल रिहर्सल है। तो 8:30 को आज त्रिनयन को जाना पड़ा और छुट्टी भी जल्दी जल्दी हो जाएगा 12:30 को। तो यही, और कल मैंने कोई कपड़ा वॉश नहीं किया, वेदर ठीक नहीं था। पर आज वेदर और भी ख़राब है, लेकिन आज मैंने सब कुछ वॉश कर दिया क्योंकि गंदे कपड़े घर में रखना अच्छा नहीं लगता। गंदे मतलब रेगुलर वेयर का जो कपड़ा है वही। तो आज मैं ड्रायर में ही ड्राई कर दिया और दोनों बेलकुनी में मेरा फैला हुआ है कपड़ा। तो यही, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, सॉरी, अब मैं जल्दी जल्दी पूरी बना लूंगी। और आज त्रिनयन का भी जल्दी छुट्टी हो जाएगा, तो 1 बजे तक त्रिनयन भी आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मेरा पूरी। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो दोपहर में लंच करने के बाद हम तीनों सो गए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा चाय
छुट्टियाँ और अभी मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि आज जल्दी जल्दी डिनर बना लूँगी। डिनर बनाने के बाद बहुत सारा काम है, कल त्रिनयन के स्कूल में स्पोर्ट्स है तो इस वजह से उसका कल पीटी ड्रेस है, तो आज वो मैंने वॉश किया था तो उसे भी मुझे आयरन करना है। उसके बाद कल त्रिनयन को ब्रेकफास्ट और लंच दो ही देना पड़ेगा टिफ़िन में, तो उसका भी कुछ प्रिपरेशन मैं करके रखूँगी क्योंकि बहुत सुबह सुबह कल उठना पड़ेगा। और आज डिनर में मैं बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि दोपहर में त्रिनयन और प्रियांशु को भी हम लोगों के साथ आज पूरी मैंने दे दिया था लंच में, तो इसीलिए उन दोनों के लिए मैं खिचड़ी बना दूँगी। और मेरा हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी पूरी, क्योंकि राइस नहीं खाते हैं आज। तो यही सब कुछ और भी बहुत सारा काम जैसे घर का रहता ही है। अभी मैंने फ्लोर को क्लीन किया, मतलब झाड़ू लगाया कुछ देर पहले दियाबत्ती करने से पहले, और प्रियांशु फिर से पूरा घर गंदा कर रहा है क्योंकि मैं पूरी के लिए आटा गूंद रही थी और वो वहाँ से आटे को लेकर पूरा घर में फैला दिया। तो अभी मैं क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि अभी वो इस तरह का काम करता रहेगा, मतलब अभी अगर मैं क्लीन कर दूंगी तो अगेन वो फिर से गंदा करेगा, तो इसीलिए मैं अभी नहीं क्लीन कर लूंगी करूंगी एकदम जब हम लोग डिनर करेंगे उससे पहले मैं क्लीन कर दूंगी। तो यही काम रहता ही है, मैं एक तरफ सब कुछ समेटते रहती हूँ और प्रियांशु सब कुछ फैलाता रहता है, सारा दिन मेरा इसमें ही गुजर जाता है। तो अभी कुछ देर पहले बेड पे आकर एकदम कंबल पिलो सब कुछ फैला दिया, यही उसका काम है। तो चलिए मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो प्रेशर कुकर मैंने चला दिया और दाल को, ये मूंग का दाल है तो इसे मैं पहले फ्राई कर लूंगी। तो मूंग की दाल को फ्राई करके उसके बाद वॉश करूंगी, पहले मैं वॉश करके नहीं लिया तो फ्राई करने के बाद मैं वॉश करूंगी। और मूंग की दाल फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा एक स्मेल आता है, उससे खिचड़ी का टेस्ट और भी अच्छा और उससे खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी, ये है गोविंदभोग चाल, तो गोविंदभोग राइस का मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग ले लेंगे। तो दाल मेरा फ्राई हो गया, अब मैं दाल और चावल को वॉश कर लूंगी। ऑयल में डालूंगी थोड़ा सा जीरा, एक रेड चिली। ये हो गया मेरा खिचड़ी का तड़का। और अब मैं दो आलू डाल दूंगी, आलू को थोड़ा सा फ्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी और अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा जिंजर पेस्ट ऐड कर दूंगी। नमक, आज घर में कोई भी सब्जी नहीं है, टमाटर कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ पोटैटो ऐड किया। और सिर्फ तो खाएंगे त्रिनयन और प्रियांशु, और भी मैं सब्जी डालूंगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा खिचड़ी। वैसे ही मैंने दाल चावल ज़्यादा ही ले लिया तो ये तो कल सुबह के लिए रह ही जाएगा, ब्रेकफास्ट में हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आज हम लोग राइस नहीं खाएंगे, मैं और मेरा हस्बैंड। तो इस वजह से टर्मरिक पाउडर, yeah.
मसालों को पकने के लिए। राइस ऐड कर दूंगी, दाल और चावल। अब ऐड कर दूंगी पानी। अब बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर। और खिचड़ी मेरा हो गया रेडी, और अब मैं पूरी भी फ्राई कर लूंगी, और उसके बाद भी बहुत काम है तो इसीलिए मैं पूरी फ्राई करके रख दूंगी अभी। और सब्जी कुछ भी नहीं है, हस्बैंड को बोल दिया, हस्बैंड आने के टाइम कुछ लेकर आएगा सब्जी वगैरह, तब कुछ फ्राई कर लूंगी। पूरी के साथ भी हो जाएगा और खिचड़ी के साथ भी हो जाएगा। काशी काशी बाबा था काशी। রান্না ভালো হচ্ছে তো? आटा को लेकर वो वहाँ खाना बना रहा है और मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे वीडियो करो। ओके बाय बोले दो। बाय बोलो बाय। खिचड़ी बन के रेडी। तो हस्बैंड सब्जी लेकर आ गए हैं तो मैं बैंगन फ्राई कर लूंगी। तो बैंगन को मैंने कट कर लिया ये छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि बैंगन के अंदर एकदम कीड़ा रहता है तो इसीलिए अच्छी तरह से देखना जरूरी है, तो इसीलिए मैं इस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब मैं थोड़ी देर इसे पानी में भिगो कर रखूंगी नमक पानी में, ताकि जो केमिकल वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद मैं गर्मा गर्म फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 9:30 और प्रियांशु उसके पापा के साथ गए हैं त्रिनान को लाने के लिए, तो वो लोग आ जाएंगे तब हम लोग डिनर कर लेंगे डिनर और जल्दी जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह उठना है। और मेरा तो डिनर सब कुछ कंप्लीट, और आज मैं बर्तन वगैरह क्लीन नहीं करूंगी क्योंकि आज डिनर करने के बाद सो जाऊंगी और कल तो अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, तो सुबह सुबह मैं क्लीन कर लूंगी ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर हो सके तो मैं क्लीन करके रखूंगी बर्तन वगैरह, तो मुझे हेल्प हो जाएगा क्योंकि सुबह सुबह पानी एकदम ठंडा रहता है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।